कंप्यूटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर। आज हम आपको बताते हैं कलर लेजर जेट प्रिंटर में रिफिलिंग का कि कैसे रिफिल होता है। ये हमारे पास एक मॉडल है एचपी कलर लेजर जेट 1025 प्रिंटर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता देते हैं इसके बारे में। ये कलर, इसमें चार कार्टेज होते हैं, ब्लैक, सियान, मैजेंटा और येल्लो। चार कार्टेज होते हैं इसमें, चार कार्टेज इस कैडल में होते हैं। ये जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये कैडल घूम के बाहर आता है, एक एक करके कार्टेज बाहर निकलते हैं। और इसमें दूसरा होता है, इसमें इन मॉडल में जो एचपी के कलर लेजर जेट प्रिंटर होते हैं उनमें चिप भी चेंज होती है। चिप चेंज इसलिए होती है, नहीं तो लेवल जीरो ही दिखाते हैं। रिफिल करने, इंक डालने के बाद भी लेवल जीरो ही आएगा, इसलिए इसमें चिप भी चेंज करनी पड़ती है, तब लेवल इसका 100%, फिर 100%, 90%, 80% ऐसे होता है। तो कलर लेजर जेट प्रिंटर की सूरज कंप्यूटर सभी तरह के, कोई भी प्रिंटर हो आपका एचपी में, कोई भी मॉडल हो, सूरज कंप्यूटर्स उनमें प्रिंटर में रिफिलिंग करते हैं कलर लेजर जेट में। और हम आपको दूसरे वीडियो में इसका कार्टेज कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं वो दिखाएंगे अभी। थैंक यू। तो आपको कोई भी सूरज कार्टेज रिफिलिंग की, कलर लेजर जेट की, कोई भी कार्टेज की आपकी जरूरत हो तो एक बार सूरज कंप्यूटर्स को अवश्य कॉल करें।